आज देश मना रहा है 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। इंडस्ट्री और इकोनॉमी को लेकर कर सकते हैं बड़े ऐलान। महामारी की वजह से आज अनोखे अंदाज में मनेगी जश्न आज़ादी। लाल किले पर केवल वीवीआईपी लोगों को आने की इजाज़त। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई पूरी व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। दिल्ली में जनता को करना पड़ेगा थोड़ी परेशानी का सामना। लाल किले के आसपास कई जगह किया जाएगा ट्रैफिक डाइवर्जन। नेताजी सुभाष मार्ग से दिल्ली गेट, एसपी मुखर्जी मार्ग से यमुना बाजार रहेंगे बंद। एलओसी पर तनावपूर्ण बने हालात। सेना ने बढ़ाई मुस्तैदी। पड़ोसी मुल्क की हर चाल को नाकाम करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने कड़ा किया पहरा। देश की सियासत में पैर जमाने में जुटे सीएम केजरीवाल। आज देश भर में अपने वॉलंटियर्स को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी की एकजुटता का देंगे मंत्र। पश्चिम बंगाल में इस बार रेड रोड पर सादगी से मनेगा स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी कोरोना योद्धाओं का सम्मान। इस बार नहीं निकाली जाएगी झांकी। अतिथियों को भी नहीं दिया गया है निमंत्रण। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा सहयोग से सुरक्षा अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। इस अभियान की मुख्य थीम सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग तेज। आज सुशांत के लिए रखी गई है ग्लोबल प्रेयर। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से जुड़ने की है अपील। बिहार में सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के हित में ऐलान। पदनाम से नियोजित शब्द हटाने जा रही है सरकार। नौकरी को लेकर भी हो सकती है घोषणा। और दिल्ली और एनसीआर में आज भी जारी रहेगी बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कहा केदार घाटी में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को दी गई चेतावनी।